Hi everyone, welcome welcome welcome. Let's get started with our session without wasting any more time. फटाफट शुरू करते हैं. फाइनल कॉल टू सेव बिग विद अन अकेडमी अनलॉक. नाउ यू कैन सेव अप टू 40%. अवेल द अनलॉक ऑफर एंड अ फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफ अप टू 6 months फॉर कैट. ऑफर इज एक्सटेंडेड टिल 31st of July 11:59 PM. सो इन द प्लस हैंड द आइकॉनिक यू कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. प्लीज टेक एडवांटेज. कोड अगेन रिमेन्स द सेम, दैट इज अभी कैट लाइव. ओके, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर कैट 2022. दीज आर द फोर टेस्ट दैट आर शेड्यूल्ड फॉर यू. 14th August, 11th September, 9th October एंड 13th November. अटेम्प्ट दीज हाई क्वालिटी फ्री मॉक टेस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ओके, रिपीटर्स बैच फॉर कैट 22 स्टार्टेड ऑन द 21st of July. यू कैन स्टिल ज्वाइन इट. वी गॉट लाइक द मोस्ट अमेजिंग एजुकेटर्स. ऑल्सो द गेम चेंजर्स बैच फॉर कैट एंड ओमेट 2022 स्टार्ट्स ऑन July 28. अगेन एक बहुत बढ़िया लाइनअप है एजुकेटर्स का जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. इलीट बैच फॉर कैट 2023, ये है मेरा नया बैच गाइस जो स्टार्ट हो रहा है 30th of July से. आपको पता है कि हम लोग एक वोकैबुलरी वाला कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो 30th से स्टार्ट होगा, वो इसी कोर्स में स्टार्ट होगा. सो रमन सर, समीर सर, निशान सर, मैं और रौनक सर, हम सारे ही इस बैच को कवर करेंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर जॉइनिंग इन. अनअकैडमी कैट सब्सक्रिप्शन के दो फीचर्स, दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं, द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. प्लस में आपको डिजिटल नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, इंटरैक्टिव लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ओपन हाउस, कम्युनिटी, लाइव टेस्ट और आस्क अ हैंड होता है, आस्क अ डाउट या रेज अ हैंड फीचर होते हैं. आइकॉनिक में डिजिटल नोट्स हैं, GDPI व्हाट है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट्स, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड डिस्कॉर्ड अलोंग विद ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस. तो आइकॉनिक जो है वो प्लस पे बिल्ड करता है, वो नेक्स्ट स्टेप टू प्लस है. तो ये रहे बच्चों हमारे आज के सारे ही अनाउंसमेंट्स और सारे के सारे आज के डिफरेंट कोर्सेज. आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं फटाफट. सो रिमेंबर टू यूज अभी कैट लाइव टू सब्सक्राइब. अभी ऑफर चल रहे हैं तो इसलिए आप पूरा फायदा उठा सकते हैं. अगर मेरे से कनेक्ट करना है तो टेलीग्राम पे यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम राइट अवे. फ़ायदा ये है कि आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट सॉल्व करा सकते हैं, जो कुछ भी है वी कैन डू दिस. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर. ओके, आज के वर्ड्स पे शुरू हो जाते हैं. लूमिंग शैडो. लूमिंग मतलब किसी के ऊपर यू नो फैला हुआ, एंड शैडो ऑफ कॉस. सो इट इज़ अ वेरी एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड अ लूमिंग शैडो. एनक्रोचमेंट ऑफ कॉस इज इंट्रूजन या ट्रेसपास. आपकी ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर मैं चली जाऊँ, एनक्रोचमेंट है. लिबर्टेरी मतलब समथिंग दैट फ्रीज और लिबरेट्स यू. कॉन्फ्लेशन इज मर्जिंग इन टू वन. सो आप कॉन्फ्लेशन है वेन यू मर्ज इन टू वन. सेक्टेरियन ऑफ कॉस रिलेटेड टू सेक्ट्स होता है या कल्ट होता है. ओके, डिफरेंट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं. रिप्रेशन सप्रेशन है, क्वेलिंग है, किसी चीज़ को दबाना है, उसे रिप्रेस करना कहते हैं. व्हेन यू क्वेल समवन यू आर रिप्रेसिंग समवन. रीपर्पजिंग मींस रीफैशनिंग. तो हमारे पास ये पुराना चेयर था, इसको हमने एज अ स्टूल रीपर्पज कर दिया है. तो ये है रीफैशन करना या रीडिज़ाइन करना. सो ये रहे मेरे पहले 7 वर्ड्स. लूमिंग शैडो, वेरी लार्ज रिफ्लेक्शन, एनक्रोचमेंट, लिबर्टेरी, कॉन्फ्लेशन. कॉन्फ्लेशन बड़ा अच्छा वर्ड है. सो ऑफकोर्स मर्जिंग इन टू वन. ठीक है, एक बड़ा पास का वर्ड है जो सिमिलर साउंड करता है, वो है कॉन्फ्लैग्रेशन. ठीक है, कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है फायर. ओके, सो दिस वन मीन्स फायर, दैट वन मीन्स कमिंग टुगेदर. सो दैट वॉज जस्ट वन वर्ड. ऑल राइट, नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे आ जाते हैं. इफेस. इफेस मीन्स टू इरेज और मेक इनकॉन्स्पिक्यूस. सम पीपल आर वेरी सेल्फ इफेसिंग, यानी वो अपने आप को एकदम छुपा लेना चाहते हैं. सो दैट इज सेल्फ इफेसिंग. प्रोफाउंड इज एक्सट्रीम और डीप और वेरी सीरियस. प्लोरलिज्म इज एग्जिस्टिंग ऑफ टू और मोर थाट्स. प्लोरल है तो दो या दो से ज़्यादा हैं. सेलिब्रेटेड इज एडमायर्ड और रिनाउंड, समथिंग दैट यू एडमायर एंड अप्रिसिएट अलॉट. लिंगुआ फ्रैंका इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, लोगों की बात है.
characterized of course is recognized or identified. Something is characterized by something else. And ethnicity is something that relates to a specific social group. तो अगर आप एक particular ethnicity की बात कर रहे हैं, एक social group की बात कर रहे हैं, तो ये तो efface profound pluralism, celebrated lingua franca, characterized and ethnicity, ये रहे हमारे बाकी के 7 words. Alright, let's take a look at our passage. At the end of the 19th century, under the looming shadow of European colonial encroachment, political and intellectual elites in Iran began to draw on nationalist forms of belonging as a way to unify the various ethnic and religious groups that lived within its territory. So, 19th century end ho rahi thi. European colonial encroachment tha, Europe har jagah ja raha tha, colonize kar raha tha. जो जो इंटेलिजेंट लोग, जो इंटेलिजेंशिया थी ईरान में, उन्होंने कहा लेट्स ब्रिंग पीपल टुगेदर इन 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 द नेम ऑफ नेशनलिज्म, ताकि सब लोग यूनिफाई हो सकें. द नेशन वॉज गेनिंग ग्राउंड एट दिस टाइम एज द एक्सेप्टेबल एंड लेजिबल इडियम ऑफ कलेक्टिव पॉलिटिकल डिमांड्स. तो सब लोग जो है नेशन को एज अ, मतलब नेशन एज अ कॉन्सेप्ट उस समय पर ग्रो कर रहा था. तो उन्होंने कहा लेट्स क्रिएट दिस नेशन. As in most of Africa and Asia, nationalism was anti-colonial. तो nationalism जो था वो colonization, colonialism के against था naturally. Understood as a liberatory basis of solidarity to gain independence. तो this was a concept, हम nation बनेंगे, हम colonialism को हटाएंगे, liberation लेंगे, freedom लेंगे, ये concept चल रहा था. ठीक है, independence from European colonial rule, इसको चाहिए था कि ये हटा दें. Among its distinctive features is a conflation between, तो जो distinctive features थे वो था एक conflation between land, a nationalized language and a people. तो ये combination था एक देश, उसके लोग और एक language का, तब बन रहा था एक nation. But nationalism also sought to produce cultural homogeneity and so fostered ugly forms of subordination and violation against peoples who amid new ideals of the nation suddenly became linguistic and religious minorities. तो क्योंकि nationalism एक idea, एक religion, एक language को support कर रहा था, तो suddenly जो लोगों के पास और बहुत सारी languages थी, they became minorities अपने आप से ही. Not because they were minorities, but because one language had to be promoted at the risk of others, right? So in your own nation, you became a religious or linguistic minority. In the case of Iran, nationalists seized upon the Persian language as a crucial basis of national identity. तो उन्होंने कहा Persian को अपनी national identity वाली language बना देते हैं. One that could be shared across religious and sectarian lines. तो Persian was something that you could share across all lines, चाहे religious हो चाहे sect हो. But at the turn of the 20th century, तो 20th century के start पे, turn of the 20th century means at the start of this century, fewer than half of the population of Iran spoke Persian as a first language or at all. तो 50% भी लोग जो है Persian बोल नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें force कर दिया गया कि Persian को बोलिए या ये आपकी first language होगी. Interestingly, India में भी तो यही है कि हिंदी को हमने बना दिया first language. अब आधी इंडिया, तो आधी से ज़्यादा इंडिया हिंदी बोलती ही नहीं है, तो फिर कैसे, यू नो दैट दैट सेम थिंग इज समथिंग दैट यू सी रिसाउंडिंग हियर. बाउंड अप इन द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म वाज नॉट जस्ट रिप्रेशन ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज. तो ये जो नेशनलिज्म का स्प्रेड है, इसके साथ एसोसिएटेड था रिप्रेशन ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज. जो एथनिकसिटीज थी, जो ग्रुप्स थे जो माइनॉरिटी में थे, उनको रिप्रेस भी किया गया. Linguistic as with Azeris, but also tied to other affiliations as with the Sunni Kurds. तो दूसरे religions वाले भी जो हैं उनको भी आपने sideline किया, उनको थोड़ा सा repress किया ही किया. And the repurposing of language as a basis of this necessary homogeneity, but a whole transformation of how it was possible to know oneself, one's collective and one's relationship to other selves and collectives through the modern conceptual systems that came with the nationalist frame. तो nationalism में जो है ये बहुत सारी चीज़ें आ गई कि भाई एक ही religion है, एक पूरा अपने आप को understand करना, अपने आप को identify करना as a group, as a collective, आप अपने आप को identify करें एक
नेशनल आइडेंटिटी से, ठीक है। ये एक नेशनलिस्ट फ्रेम के साथ, नेशनलिस्ट आइडिया के साथ आए। इन ऑर्डर फॉर ईरान टू रीपर्पज पर्शियन एज द नेशनल लैंग्वेज, तो उन्होंने कहा भैया ईरान जो है पर्शियन को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। इट हैड टू इफेस अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स हिस्ट्री, तो अपनी हिस्ट्री के कई सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स को साइडलाइन करना पड़ा, मिटाना पड़ गया अगर आपको पर्शियन को इम्पोर्टेंस देनी है तो। एंड ट्रेडिशन शेयर्ड विद अदर कंट्रीज, तो कुछ चीज़ों को हटा देना पड़ा। इन द प्रोसेस वॉट मेंट टू बी पर्शियन चेंज प्रोफाउंडली, तो पर्शियन क्या है वो बहुत डीपली चेंज हो गया। बिफोर मॉडर्न नेशनलिज्म विच लेड टू टूडेज ईरान, बिफोर 1935 द कंट्री वॉज कॉल्ड पर्शिया इन यूरोपियन लैंग्वेजेस, पर्शियंस हैड एन एंटायरली डिफरेंट रिलेशन टू लैंड ओरिजिन एंड बिलोंगिंग, तो इससे पहले वो लोग एक अलग थॉट प्रोसेस थी। प्री नेशनलिस्ट पर्शियंस पोजेसर ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज बिलोंग टू मेनी लैंड्स रिलीजन्स किंगडम्स रीजन्स इन वॉट इज नाउ नोन ईरान एंड फार बियॉन्ड इट, तो पहले जो थे पर्शियंस जिनको वो लैंग्वेज आती थी वो बहुत रिलीजन्स के थे, बहुत लोगों के थे, बहुत देशों के थे, यू नो दे वर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ईरान। दिस अर्लियर फॉर्म ऑफ बिलोंगिंग अलाउड फॉर अ काइंड ऑफ प्लोरलिज्म, तो इसमें एक बहुत मल्टीप्लिसिटी थी, आप अलग अलग देशों में रह सकते थे, आप अलग अलग रिलीजन्स के हो सकते थे, बट यू वर टाइड बाय पर्शियन योर लैंग्वेज। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब आप फोर्स हो रहे थे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडेंटिटी में। One in which Persians spoke other languages, observed different religions, and were part of various states or empires. Indeed, they accepted and even celebrated such overlapping multiplicity in language, religious affiliation, and religious identification, which in more recent times has been the basis of so much conflict. तो लोग तब उसको enjoy करते थे कि सब बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो आपके पास हैं और एक common thread की वजह से वो आपकी language. Previously, Persian had been a trans-regional lingua franca that coexisted with other languages across a shifting constellation of multilingual and multi-confessional empires and regional polities that characterized the Eastern Islamic world. So, Eastern Islamic world mein pehle Persian ek aisi language thi, lingua franca means language for all, that coexisted with other languages and that helped this beautiful range of multi-language, multi-religion, multi-thought people that existed in this Eastern Islamic world. This older Persian signified no specific place or ethnicity. So, iska koi specific region nahi tha. New Persian, the language's technical term, grew out of interaction of Arabic language with Middle Persian following the Arab-Islamic conquests of the Sasanian Empire in the 7th century. To jo nahi Persian thi, ye Arabic aur पर्शियन को मिला करके बनी जब अरब्स ने ससेनियन एम्पायर को कंट्रोल कर लिया 7th सेंचुरी में। सो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एनीवे, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। देयर वाज नो नेशनल आइडेंटिटी इन 1820s इन ईरान। ईरानियन एलीट्स डिजायर्ड यूनिफिकेशन ऑफ वेरियस एथनिसिटीज विद इन इट्स टेरिटरीज। कॉलोनियल पावर वॉज अगेंस्ट नेशनलिज्म एंड नेशनलिज्म सॉट टू प्रोड्यूस कल्चरल होमोजेनिटी। Let's take a minute and answer this question. Good morning, everyone. Sab log please like zarur kar dena.
श्रेयांक, यश, पंकज, रूस्टर्स, कोमल, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई बताओ फटाफट क्या होगा। ये तो मेंशन्ड है तो ये इन्फर नहीं हो सकता, ये मेंशन्ड है ये इन्फर नहीं हो सकता, ये मेंशन्ड है ये इन्फर नहीं हो सकता। सो देयर वाज नो नेशनल आइडेंटिटी इन 1820s इन ईरान। यस यही होगा करेक्ट आंसर ए। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट लाइकली बी अग्रीड बाय द ऑथर। कौन सा मोस्ट लाइकली अग्रीड होगा ऑथर से तो बताओ मेरे को। इरानियंस चेंज मेनी थिंग्स विलिंगली। पर्शियन वॉज फोर्स फेड टू द पीपल ऑफ ईरान। इरानियन रूलर्स ट्राइड टू मेंटेन सेक्टेरियन इंटेग्रिटी। फॉर क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन मेनी पीपल वर डिस्ट्रॉयड इन ईरान। वेल दिस प्रॉबली वी कैनॉट अग्री, दिस इज टू स्ट्रॉन्ग। दे वर डिस्ट्रॉयड वी डोंट नो। दे ट्राइड टू मेंटेन सेक्टेरियन इंटेग्रिटी, नो दे डिड नॉट, सो वी कैन एलिमिनेट दिस। इरानियंस चेंज मेनी थिंग्स विलिंगली, डिड दे? We don't know, the passage has not mentioned it. So yes, Persian was force-fed to the people of Iran. They were forced. 50% of the people did not speak Iranian, did not speak Persian. It was not their first language. And yet it was made the main language of Iran. So it was in a way force-fed to the people of Iran. So correct answer B. All right, let's go to the next one. Which of the following cannot be answered by the passage? Kaun sa answer nahi ho sakta hai? What was the common thread in pre-nationalist Persians? What allowed pluralism to exist in Persians? Where did Persians belong to? What is the origin of the Persian language? Which cannot be answered by the passage. Well, what was the common thread can be answered. So this cannot be the answer. What allowed pluralism to exist in Persians can be answered. So cannot be my answer. Where did the Persians belong to? Well, this is something that really cannot be answered. So therefore, this has to be the correct answer. Origin we can answer. We have already got it in the passage. So correct answer will be C. Okay, the next one. What is the role of the last paragraph of the passage? A topic is reintroduced and explained. A historical perspective is given about an issue and subsequently rejected. A comparison is shown and eliminated. A new idea is brought out and contrasted with the previous one. So a new idea is brought out and contrasted. Well, there was no contrast. If you remember, the last paragraph spoke about the fact that Persian was previously lingua franca, and there were two Persians, the older Persian and then the new Persian, or the latest acceptable Persian was created when the Arabs came into the Persian world and they started controlling it. So the mixture of Arabic and Persian made this new Persian, right? So a new idea is brought out and contrasted, no. A comparison is shown and eliminated, no. A historical perspective is given, yes, but subsequently rejected, not really. So a topic is reintroduced and explained, and that is what we are going to say. Okay, all right, let's look at the which of the following can be the title of the given place. Persian, one from many places, from Persia to Iran, changing identities. Persian, the language of colonialism, the many languages of Persia. Well, clearly many languages तो नहीं हो सकता, clearly language of colonialism भी नहीं हो सकता, तो ये दो तो eliminate कर देते हैं. Persian, one from many places and from Persia to Iran, changing identities. Which of these should be the correct answer, बताओ. Very quickly, which of the following can be the title of the given passage? Persian, one from many places, from Persia to Iran, changing identities. Are we really talking about from Persia to Iran, that changing identity? Not really.
So yes, Persian, the one from many places, because we are talking of the language Persian in this passage, right? Not Iran specifically. The passage was about the language itself, and therefore A should be the correct answer. All right, let's look at the last question. What is the meaning of the word fostered? Is it to idle? Is it to create? Is it to exacerbate? Is it to revile? Very quickly. अच्छा तेजस, तुम यश की आईडी से क्यों आए हो? फॉस्टर, वेरी क्विकली. आइडल्ड, क्रिएटेड, एग्जैसिबेटेड एंड रिवाइल्ड. What should the correct answer be? Foster means to give birth to or to create an idea or to nurture. The word foster actually means to nurture. Okay. So therefore, best word was created, not exacerbated, which means to worsen. Revile means to speak badly about someone, so defame. So not that also. Idle means to waste time. So none of these would work. The best answer would be created. Okay. So yeah. So B will be the correct answer here. All right, everyone. Remember, here is our CAT 2021 results. If you want the same, do join in. Today again, we do not have a special session. There is one only for college students at 12. And guys, yes, remember to hit like, share, subscribe and the bell icon. And guys, remember, abhi cat live use kar lo, 20% discount hai. Bahut sara discount hai yaar, so please 31st tak le lo enrollment. Okay, thank you so much everybody. Have a nice day. I will see you in the evening also. Adios everybody.